स्टेट कमीशंस फॉर वुमेन। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और स्टेचुटरी बॉडी होती है स्टेट्स में। इस स्टेट लेवल बॉडी की चर्चा के लिए हम पंजाब स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की एग्जाम्पल लेंगे इस कमीशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है उनकी हम डिस्कशन से पहले नेशनल कमीशन की बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है 1990 में एक्ट पास हुआ और 92 में ये बॉडी होंद में आई। 1990s का जब टाइम था तो बहुत सारे कमीशन बनाए गए, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन भी तभी बना। और नेशनल कमीशन का जो एक्ट है उसमें स्टेट कमीशन की बात नहीं की गई है। तो स्टेट कमीशन फॉर जो वुमेन होते हैं उसके लिए कोई यूनियन लेवल पे कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं हुई है, कोई इनएक्टमेंट नहीं है जो कहती है कि स्टेट्स में स्टेट कमीशन फॉर वुमेन होने चाहिए। जबकि हम बाकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात करें या कुछ ऐसी बॉडीज की बात करें जिनके हम चर्चा करेंगे वीडियोज में, वो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इनके लिए एक नेशनल लेजिस्लेशन है, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की चर्चा की गई है। आरटीआई एक्ट 2005 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हैं। तो इन सब बॉडीज की चर्चा की गई है और पावर्स एंड फंक्शंस भी इनके बताए गए हैं। इसके अलावा जो लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट है 2013 का, उसमें ये कहा गया है कि हर स्टेट में लोकयुक्ता बॉडी होगी। हाँ, उसके पावर्स फंक्शंस नहीं डिफाइन किए गए और स्टेट लेजिस्लेचर को फ्रीडम दिया गया है, पर इनकी बात जरूर एक नेशनल लेजिस्लेशन ने की है। इसीलिए एक स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर वुमेन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नेशनल लॉ नहीं है, ये स्टेट्स की अपनी मर्जी है। तो इस वजह से ये बॉडी यूनिक हो जाती है। और पंजाब की जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है उसका अगर हम एम देखें या उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कमीशन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड टू इंक्वायर इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग वुमेन। मतलब इनका मेन काम क्या है कि कैसे स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव हो जाए पंजाब की स्टेट में, और अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो वुमेन को एडवर्सली इफेक्ट कर रही हैं वो कैसे हम ठीक कर सके और उनको इंक्वायरी हो सके। तो इसके लिए ये कमीशंस होंद में आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो भी हम पंजाब एक्ट में स्टडी करेंगे वो सेम रहते हैं सभी स्टेट्स के लिए, लेकिन कॉम्पोजिशन, सर्विस कंडीशन जैसे सैलरी या टेन्योर, ये हर स्टेट का डिफरेंट है, तो ये वेरी करेगा। हम हरियाणा की भी एग्जांपल देखेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस सेम रहेंगे। यही चीज हमने लोकयुक्ता में भी स्टडी की थी कि पावर्स एंड फंक्शंस तो सेम है लेकिन कॉम्पोजिशन और सर्विस कंडीशंस लोकयुक्ता की स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगी। द पंजाब स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 2001, तो 2001 में ये एक्ट पास हुआ था। और इस एक्ट को समझने के लिए दो डेफिनेशन को समझना जरूरी है। पहला है वुमेन, तो वुमेन का इस एक्ट में मतलब है कि अडल्ट वुमेन भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड या एडोलेसेंट गर्ल भी। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, या एडोलेसेंट गर्ल है, 15 साल की लड़की है, 13 साल की लड़की है, वो भी वुमेन की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी, उसके लिए भी ये कमीशन है। दूसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है इस पर्टिकुलर एक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक डिपार्टमेंट है। जैसे यूनियन लेवल पे मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं और मिनिस्टर हेड करता है उनको, जो स्टेट है स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट्स ही होते हैं, मिनिस्ट्रीज नहीं होती। तो डिपार्टमेंट का हेड मिनिस्टर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसमें एक सेक्रेटरी होता है, आईएएस ऑफिसर होता है जो उसे हेड करता है, पॉलिटिकल हेड मिनिस्टर होता है। तो गवर्नमेंट का इस एक्ट में मतलब रहेगा जो डिपार्टमेंट है ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी एक्ट की बात करते हैं, तो इसका एक चेयरपर्सन होगा जो होना चाहिए एक एमिनेंट वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, और इसे जब स्टेट नॉमिनेट करेगा
ये कंसल्ट करेंगे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को विद इन द स्टेट। तो कैसे कंसल्ट करेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है चेयरपर्सन को, और गवर्नमेंट का क्या मतलब है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें गवर्नर नहीं नॉमिनेट कर रहा या गवर्नर नहीं अपॉइंट कर रहा, तो ये इस एक्ट का ड्रॉबैक भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हाई अथॉरिटी स्टेट की जो कि गवर्नर है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा। और रिमूवल में भी हम यही देखेंगे, तो इस एक्ट में ज्यादा वजन नहीं है। ये जो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है इसमें ज्यादा वजन नहीं है, क्योंकि इस एक्ट में इसे बहुत अनफेयरली ट्रीट किया गया, इस बॉडी को मतलब गवर्नर से भी दूर रखा गया, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है उसको हम आगे भी देखते हैं। चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये प्रेफरेबली वुमेन होने चाहिए। तो प्रेफर वुमेन होंगे, मर्द भी हो सकते हैं। इन्हें भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, मतलब कि डिपार्टमेंट, फ्रॉम अमंग्स द पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। तो एमिनेट बंदे होने चाहिए ये, और मॉरल इनके हाई होने चाहिए, मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति, और इन्होंने सर्व किया हो कॉज ऑफ वुमेन को, या फिर सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो इनका किस फील्ड में, इन लॉ एंड लेजिस्लेशन। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फंक्शन भी है इस कमीशन का, लॉस को रिलेटेड उन्हें मॉनिटर करते हैं, सेफगार्ड्स को और रेमिडीज सरकार को रिकमेंड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर्स कंसर्निंग द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, या कोई लीडरशिप है ट्रेड यूनियन और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए कुछ काम किया हो, एक्सपीरियंस हो, या जर्नली कोई वुमेन के कॉमन इंटरेस्ट में अपलिफ्टमेंट और प्रमोशन का काम इन्होंने किया हो, तो वो भी हम नॉमिनेट कर सकते हैं इस बॉडी में एज नॉन ऑफिशियल्स। तो ये मोटी मोटी एक जर्नल क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा एक मेंबर कम से कम एससी कम्युनिटी का होना चाहिए, और चेयरपर्सन और जो 6 मैक्सिमम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनका टेन्योर रहेगा 3 ईयर्स का। रिटायरमेंट एज का कुछ नहीं दिया हुआ, रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं इसका मतलब, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे बार नहीं है, 3 ईयर्स के बाद नेक्स्ट टेन्योर के लिए भी अपॉइंट किए ही जा सकता है। एक चेयरपर्सन है जी, और 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, और 2 ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं। दो ऑफिशियल मेंबर्स के कौन से हैं, एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो स्टेट के डीजीपी होंगे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इस कमीशन के, और दूसरा एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या है, डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। तो डायरेक्टर हैं जो इस डिपार्टमेंट के, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो ये रही कॉम्पोजिशन। आगे एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा इनका, प्रेफरेबली वुमेन, तो प्रेफरेबली वुमेन होना चाहिए। ऑफिसर ऑफ द आईएएस और पीसीएस नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी लेडी प्रेफरेबली मेंबर सेक्रेटरी होगी जो कि आईएएस या पीसीएस ऑफिसर है, और कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे है। अभी इसी एक्ट को हम हरियाणा के एक्ट से कंपेयर करते हैं, तो हरियाणा के एक्ट में एक वाइस चेयरपर्सन भी है, पंजाब में नहीं है। मैक्सिमम 5 मेंबर्स है, पंजाब में 6 है। क्वालिफिकेशन की वर्डिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, एमिनेंट जैसे पर्सन एंड नॉन ऑफिशियल उसमें थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट है। रिटायरमेंट एज दी हुई है 65 ईयर्स, पंजाब के एक्ट में नहीं है। ये भी लिखा हो कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो वुमेन होंगे, हरियाणा के एक्ट में ये दिया हुआ है, पंजाब के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये है कि प्रेफरेबली वुमेन होंगे। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है कि ज्यादा मैन हो जाए कमीशन में। रिमूवल, तो इनका एक और वीक पॉइंट है कि रिमूवल कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो गवर्नर का यहाँ पे नाम नहीं है, इस तरीके से ये एक यूनिक बॉडी है स्टेट लेवल पे, क्योंकि पंजाब के एक्ट में ज्यादा वजन ही नहीं है, मतलब एक डिपार्टमेंट ही डिसमिस कर सकता है इस ऑफिसर्स को। तो रिमूव गवर्नमेंट कैसे करेगी, इसके लिए ग्राउंड्स दिए गए हैं, चाहे चेयरपर्सन है चाहे नॉन ऑफिशियल मेंबर है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है मतलब के कर्जा है कोई वो चुका नहीं पा रहा, या उनकी कन्विक्शन हो जाती है और सेंटेंस किया जाता है टू इम्प्रिजनमेंट, जिसके लिए सरकार को रखता है कि वो मॉरल टर्पिट्यूड है, जो ऑफेंस है मॉरली एथिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतनी अच्छी बॉडी का जो चेयरपर्सन या नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसने ये कमिट किया है, अनसाउंड माइंड है और कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है, इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग,
चाहे अनसाउंड माइंड की वजह से या बॉडी में कोई इश्यूज आ जाते हैं, या फिर एब्सेंट है विदाउट लीव फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, तो इन वजहों से रिमूव किया जा सकता है। और अब्यूज ऑफ पोजीशन, तो ये भी एक कारण है रिमूवल का। इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जिसे भी रिमूव किया जा रहा है। तो जो ऑफिशियल को रिमूव किया जा रहा है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं चाहे चेयरपर्सन है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो ये रिमूवल के कुछ क्लॉजेस हैं और ये अप्लाई होते हैं चेयरपर्सन और नॉन ऑफिशियल मेंबर पे, क्योंकि डीजीपी और डायरेक्टर वो तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है इस कमीशन को ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के साथ, मतलब एम्प्लॉयज भी देता है ऑफिसर्स भी देता है, ताकि कमीशन का काम होता रहे। फंक्शंस पे आ जाते हैं जो सभी स्टेट्स में सेम है। इनका एक फंक्शन है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन लेजिस्लेटिव एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज अफेक्टिंग वुमेन। तो जो भी पॉलिसीज है वुमेन को रिलेटेड, चाहे लेजिस्लेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसीज, उसके रिलेटेड एडवाइस दे सकते हैं सरकार को। कुछ स्टेप्स ले सकते हैं एट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक लेवल टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो भी लीगल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वुमेन के, वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। जनरली स्पेशली पुअर वुमेन, जो पुअर सेक्शंस हैं सोसाइटी का, उसमें वुमेन के क्या हालात हैं, उनके राइट्स तो नहीं एडवर्सली इफेक्ट हो रहे, तो उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ये मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड वेलफेयर मेजर्स कंसर्निंग वुमेन। तो कोई लॉ है जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, डाउरी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या वेलफेयर मेजर्स हैं जैसे वुमेन रिलेटेड आंगनवाड़ीज में या नरेगा में काम का कुछ परसेंटेज वुमेन के लिए है, और भी वुमेन के लिए जैसे शगुन स्कीम है पंजाब में, वेलफेयर मेजर्स हैं वो, ये मॉनिटर करते हैं कि ठीक तरीके से काम चल रहा है या नहीं, और इनिशिएट कर सकते हैं एक्शन फॉर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो सरकार को ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं एक्शन। पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले सकते पर इनिशिएट तो कर सकते हैं। कैसे एक्शंस के लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो जाए, जैसे कोई एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, वुमेन रिलेटेड एक्ट है, या कोई नया एक्ट आ जाए, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस तरीके से हो सरकार में कि वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हो। जैसे गवर्नमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स को ये कमीशन कहे कि वहां पे क्रेचे फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके पास अगर छोटा बच्चा है वहां पे रेस्ट ले सके। तो इस तरीके की इन एक्शंस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इन्वेस्टिगेशन। तो सुओ मोटो और ऑन कंप्लेंट, मतलब कि अपने आप से भी, या अगर कोई बंदा कंप्लेन कर देता है तो ये इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां पे वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या वुमेन की विक्टिमाइजेशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं टू गवर्नमेंट के, ऐसे कुछ रेमेडियल एक्शंस हैं जो उठाए जा सकते हैं ताकि वुमेन को कंपनसेट किया जा सके। उसके अलावा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि कुछ ऑफेंसेस में हो सकता है जुडिशरी के पास जाना पड़े, हो सकता है उन मैटर्स में इस कमीशन को लगे कि जुडिशरी में केस करना चाहिए और जो भी वुमेन विक्टिम है वहां पे पार्टिसिपेट करे, और जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अगेंस्ट उसके लिए दूसरी पार्टी को सजा होनी चाहिए, तो वहां पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चालू करवा सकते हैं ये। कंडक्ट स्टडीज एंड रिसर्च, जैसे पीएचडी की रिसर्च होती है या कई इंडिपेंडेंट बॉडीज रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, तो ये भी स्टडीज कंडक्ट करवाते हैं रिगार्डिंग वुमेन इश्यूज, और उसकी रिपोर्ट ये गवर्नमेंट को भेज देते हैं ताकि गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पढ़ के या रिसर्च स्टडीज को एनालाइज करके आगे कुछ एक्शन ले सके। डिमांडिंग प्रोसिक्यूशन, तो कई बार वुमेन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो जो भी ऑफेंडर है उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन साइड वो होती है जो उसके अगेंस्ट केस लड़ती है जो भी ऑफेंडर है, तो उन्हें ये असिस्ट भी करते हैं, जो भी प्रोसिक्यूशन साइड है उसे एविडेंस देते हैं, लीगल सर्विसेज देते हैं, ताकि जो भी ऑफेंडर है उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। उसके अलावा इंस्पेक्शन, तो जहां भी वुमेन की कस्टडी है, पुलिस थाना हो गया, लॉकअप्स, सब जेल्स, रेस्क्यू होम्स, वहां पे जाके ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ठीक तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वुमेन को या नहीं, उनका ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है या नहीं,
और अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा वहां पे कस्टडी में, तो रेमेडियल एक्शन के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वो डिमांड कर सकते हैं। उसके अलावा पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी ये फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन एज अ ग्रुप या कुछ इंडिविजुअल केसेस में जहां पे वुमेन को इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ डिजर्विंग केसेस हैं, अगर वुमेन को इन्हें लगता है कि कुछ हेल्प की जरूरत है, तो लीगल एड या रिहेबिलिटेशन भी कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में ये प्रोवाइड कर सकता है कमीशन। तो पीआईएल्स ऑफ कोर्स कोर्ट में डाले जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये काम भी ये करते हैं। उसके अलावा ये कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं जब भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है वहां पे अगर इनको लगता है कि इंटरवीन करना चाहिए, तो ये कोर्ट्स में जाके वुमेन की साइड लेते हैं। फिर इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान में या कोई बाकी लॉज हैं, जैसे डाउरी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उन लॉज को ये स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और सेफगार्ड्स देखते हैं कि वुमेन रिगार्डिंग क्या क्या सेफगार्ड्स हमारे कानून में मौजूद हैं। उसको स्टडी करके ये रिपोर्ट वगैरह गवर्नमेंट को भेजते हैं ताकि आगे उनमें सुधार हो सके। तो गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट भेजते हैं एनुअली या जब भी कमीशन से डिमांड किया जा सकता है या कमीशन को लगता है कि रिपोर्ट भेजनी चाहिए। उसके अलावा इन रिपोर्ट्स में ये रिकमेंडेशंस देते हैं कि क्या इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कर सकते हैं, जो भी सेफगार्ड्स हमारे संविधान में है या बाकी लॉज में है उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो है ही कि उनमें अगर फ्लॉ वगैरह है, रेमिडियल एक्शंस, अगर कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो भी रिकमेंड करें, वरना वही लॉ है पर उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसके लिए भी रिकमेंडेशंस देते हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज इंडिया में बैन है पर वो लॉ अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस दे दी। बाद में रिव्यू करते रहते हैं जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, ये भी एक फंक्शन है कि वुमेन रिलेटेड कुछ भी सेफगार्ड्स हैं आगे उनमें क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तीन चार पॉइंट्स कनेक्टेड ही हैं। उसके अलावा कोई भी बाकी मैटर जो भी इनको रेफर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी ये स्टडी करते हैं। अगर इसकी पावर को समअप करना हो जो स्टेट कमीशन हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के वक्त इनके पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि किसी को समन करना, उनको बुलाना, कंपल्सरली उनके अटेंडेंस एनफोर्स करवाना, कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार के पास है उसको मंगवा लेना, एविडेंस लेना ऑन एफिडेविट्स, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड है, कॉपी है किसी कोर्ट या ऑफिस में उसको मंगवा सकते हैं, या और भी जो सिविल कोर्ट्स की पावर होती हैं तो इनके पास है जब भी ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए ये कोई भी एजेंसी है या ऑफिसर है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी हेल्प ले सकते हैं। और जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनका डायरेक्शन और कंट्रोल रहेगा उस बॉडी या उस ऑफिसर पे। सच ऑफिसर और एजेंसी और द पर्सन शैल इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर एज डायरेक्टेड बाय कमीशन। तो कमीशन के अंडर काम करना पड़ता है, इनके हाथ में पावर होती है। कमीशन शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट्स। तो जब भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो करेक्टनेस देखेंगे कि फैक्ट्स जो भी इन्हें सप्लाइड किए गए हैं बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि ये ठीक है या नहीं है, और वो रिपोर्ट आगे सबमिट कर देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इनकी अच्छी खासी पावर है। आगे ये रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं। जितनी भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह है वुमेन रिगार्डिंग, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ज्यादातर स्टेट्स में, और अवेलेबल करवाते हैं टू द कोर्ट या जनरल पब्लिक को एट रिक्वेस्ट, के वो इस चीज को यूज कर सकें। अगर कोई वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसे हेल्प की जरूरत है, उसे पता हो कि इस तरीके के एनजीओज हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी मेजर पावर ये है कि गवर्नमेंट कोई भी मेजर पॉलिसी मैटर्स जो कि वुमेन को अफेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमेशा इनको कंसल्ट करते हैं। अगर उन्होंने कोई भी पॉलिसी इनिशिएट करनी है, बनानी है, चेंज करनी है वुमेन रिलेटेड, तो गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट जरूर करती है। तो ये इनके पास इम्पोर्टेंट। फाइनली इसका लास्ट इम्पोर्टेंट पावर जो है वो है एनुअल रिपोर्ट।
इसकी एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट होती है, और गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी है कि स्टेट कमीशन की जो एनुअल रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे। इस रिपोर्ट के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन भी आ जाता है कि कौन से रिकमेंडेशन सरकार ने एक्सेप्ट की है और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में अगर कोई रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो रीजंस देने पड़ते हैं, सरकार को बताना पड़ता है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ। और स्टेट लेजिस्लेचर के आगे क्योंकि हम ये रिपोर्ट डालते हैं तो इसका वजन भी बढ़ जाता है, मीडिया में पब्लिसिटी होती है, लाइमलाइट में आ जाती है रिपोर्ट। फाइनली अगर रोल की बात करें तो ये एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि खुद से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अकेला ये सजेशंस देते हैं, एडवाइजरी है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि थाना वगैरह है, रेस्क्यू होम्स है, उनको कुछ सजेशंस दे दिए कि इस तरीके से आप वुमेन के ट्रीटमेंट को अच्छा कर सकते हैं वहां पे। क्वासी जुडिशियल मतलब कि ये जुडिशियल बॉडी तो नहीं है लेकिन जुडिशियल फंक्शंस जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, उन पे ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तरीके से कोर्ट जैसे सिविल सूट्स जो है डिसाइड करते हैं वो केसेस ये डिसाइड कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं या ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं। फाइनली इसका क्रिटिसिज्म है अपॉइंटमेंट्स, वैकेंसीज, इंडिपेंडेंस। अपॉइंटमेंट्स में ये है कि इसके सारे मेंबर्स और चेयरपर्सन गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इनमें जुडिशियल बॉडीज या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जैसे लोकपाल, उसके लिए सिलेक्शन कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, अकेला गवर्नमेंट का जो पक्ष है वही बैठता है, वही अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं, डिपार्टमेंट की ओर से या चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। वैकेंसीज का इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे स्टेट कमीशंस हैं इंडिया में जहां पे मेंबर्स नहीं है वैकेंसी या पूरा स्टाफ भी नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर इसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठते रहते हैं, जैसे कि इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो रीअपॉइंटमेंट के चक्कर में वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। इसका रिमूवल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो ऐसा नहीं है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनको रिमूवल के लिए कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस है, इजिली इनको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूवल या कह लीजिए कि रिजाइन करने के लिए कई बार फोर्स किया जाता है, उसकी कंट्रोवर्सी भी रहती है। जैसे पंजाब में मनीषा गुलाटी जी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है कि वो चेयरपर्सन थे और उन्हें रिमूव किया जा रहा था, फाइनली उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स लिए थे अपने रिमूवल पे। और ये भी क्रिटिसिज्म है कि इस बॉडी के मौजूद होने के बाद भी डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये क्राइम्स उल्टा बढ़ रहे हैं। जो भी रिपोर्ट्स आती है हमारी क्राइम रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे प्रिजन्स के, तो वहां से हमें पता लग रहा है कि ये तो क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं कम होने की वजह से, तो ये क्रिटिसिज्म तो है। फाइनली इसका अच्छा काम भी देखेंगे, जैसे हम अगर पंजाब के एग्जाम्पल दें तो इसके जो चेयरपर्सन मोनिशा गलाटी जी जो हैं वो काफी फेमस हैं और लोग मानते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, लाइमलाइट में रहते हैं वो सोशल मीडिया में। तो ये कमीशन एक अच्छा काम भी करता है, डिफरेंट स्टेट्स के जो भी कमीशन हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज को ठीक ठाक ये देख रहे हैं।